तले भाई लोग कैसे हो आप लोग टिकुना सभी लोग आई होप आप से लोग ठीक हो गए। तो भाई लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी लोग चैनल पे न्यू आए हो उस सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारी आज पास न्यूज की तरफ जो कि अनग्रेजुएट गेमर के बारे में। तो भाई लोग आप लोगों को पता ही होगा भाई कुछ दिन से अपने चैनल में सी एस रैंक पुश कर रहे हैं। तो भाई लोग होता है कि भाई सी एस रैंक में बढ़ते हुए हैकर्स और पैनल से रिलेटेड बात करते हैं और भाई लोग इसके अलावा भाई ने ये भी बताया कि भाई ने इस सीजन सी एस रैंक में जितने भी मैचेस खेले हैं उनमें से ज्यादातर मैचेस में तो हैकर्स ही आए हैं। तो आप लोग ले खुद देख लीजिए दोस्तों यार, जनता की भारी डिमांड पे हमने सीएस कुछ किया था कल लाइव पे और भाई साहब आप यकीन मानो 65 अप्रोक्स गेम्स में 39 गेम्स में करीब करीब हैकर्स आए हैं, पैनल यूजर्स आए हैं जिनकी बायो पे अपना व्हाट्सएप नंबर और सेल और ये सब पैनल वगैरह लिखा हुआ है। और यार मैं बता रहा हूँ, मैं 2017 से इस गेम को खेल रहा हूँ, यही गेम बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा यार, बिल्कुल भी 1% भी नहीं। पहले होता था 10-15 गेम में एक आदमी हैकर आ रहा है, चलो ठीक है चलता है, इतना तो हर गेम में होता है। अब होता है 10-15 गेम में से भाई 9 गेम में हैकर आएगा, एक गेम में सही प्लेयर आ रहे हैं यार। पता नहीं यार, समझ नहीं आता कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, कब तक एक बंदा बोलता रहे। मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ भाई, मतलब थक गया हूँ भाई। तो वह लोग बढ़ते हमारी अच्छी नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि डैडी कॉलिंग के बारे में। तो मेरे भाई ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी लगाया था जिसपे लिखा था फेस रिवील, मतलब कि भाई बहुत ही जल्द अपना फेस रिवील करने वाले हैं। और वह लोग कल मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग भाई के फेस रिवील को एक्साइटेड हो या नहीं। तो वह लोग फेस रिवील से रिलेटेड बात हो रही है तो एक और यूट्यूबर के फेस रिवील से रिलेटेड बात कर लेते हैं जो कि मैक्सा के बारे में। तो वह लोग मैक्सा भाई ने भी अपने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाया था जिसपे भाई ने अपना एक फोटो पोस्ट किया था, लेकिन भाई लोग भाई ने अपना फेस अपने फोन से कवर कर रखा था। लेकिन भाई लोग उसी पोस्ट में भाई ने ये भी लिखा था फेस रिवील लगता है काफी करीब है, मतलब कि भाई भी बहुत ही जल्द अपना फेस रिवील करने वाले हैं। तो वो लोग बढ़ते हमारी अच्छी नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि रेक्स के बारे में। तो वो लोग अगर आप लोग भाई के रेगुलर व्यूअर्स हो तो आप लोग को पता होगा भाई कुछ दिन से अपने चैनल में इनएक्टिव है। तो वो लोग होता है कि भाई अपने चैनल में वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें भाई ने बताया भाई का जो फेसबुक पेज था वो हैक हो चुका है। और वो लोग जिसने भी भाई का फेसबुक पेज हैक किया है उसने सबसे पहले भाई का यूट्यूब चैनल हैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग भाई ने अपना यूट्यूब चैनल तो बचा लिया लेकिन उस बंदे ने भाई का फेसबुक पेज हैक कर लिया है और वो लोग इसी वजह से भाई अपने चैनल में इनएक्टिव हुए थे। तो वो लोग इसका अलावा भाई ने क्या कुछ कहा आप लोग खुद देख लीजिए। तो गाइस ये बात 24 सितंबर का रात को वीडियो बनाने आया था, आके देखता हूँ मेरा पीसी से चैनल लॉग आउट हो चुका है। उस टाइम में इतना डर गया कि मतलब मैं सोचा कि कैसे हो सकता है ये। उसके बाद मैं अपना फ़ोन चेक किया, गाइस फ़ोन में लॉगिन था नहीं तो आज मेरा चैनल मेरे पास नहीं होता। तो मैं तुरंत ही पासवर्ड चेंज करने गया, मैं फ़ोन ऑन किया तो मैं देखता हूँ फ़ोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन है 2-स्टेप वेरिफिकेशन का, मतलब इतना नोटिफिकेशन से भर गया, मेरा फ़ोन हैंग कर चुका है। मतलब कई आप लोग को देख लोगे तो मतलब बोलोगे ये क्या चीज़ है। तो उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया, सब कुछ मतलब उसी टाइम कर लिया था, मतलब ज़्यादा अगर लेट हो जाता तो पता है मेरा चैनल आज मेरे पास नहीं होता, बाद में आ जाता बट मेरे पास नहीं होता। तो उसके बाद गाइस सीन यहाँ पे नहीं होता, मेरा जो चैनल है दोनों चैनल में पासवर्ड चेंज कर देता हूँ और सब कुछ सिक्योर कर लेता हूँ, बट सीन कुछ यहाँ पे हो जाता है, मेरा फेसबुक का मेरा फेसबुक हैक हो जाता है गाइस, और यहाँ पे बहुत गंदा वाला सीन होता है। मेरा जो फेसबुक था वो मैं रिकवर नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फेसबुक का पासवर्ड और 2-स्टेप वेरिफिकेशन वो अलग मोबाइल में था, इसीलिए मैं रिकवर नहीं कर पाया और वो मेरा फेसबुक हैक हो जाता है। मतलब गाइस कुछ ही टाइम में 5-10 मिनट में सब कुछ एक्सेस हट जाता है। तो गाइस ये था कुछ मतलब ये इन दिनों में मेरा कुछ सीन। तो गाइस फेसबुक में चैनल तो रिकवर कर पाता हूँ और फेसबुक में ये जो 10 दिन वीडियो अपलोड नहीं पाया उसी के पीछे था कि कैसे रिकवर करें, कैसे मतलब सब कुछ ठीक करें, बट हुआ नहीं, पता नहीं कब तक होगा गाइस। इसलिए मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूँ गाइस, मेरा जो फेसबुक पेज था वो अभी एक न्यू पेज में बनाया और उसको जाके सब सपोर्ट करना, क्योंकि गाइस आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर से वहाँ तक लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो भाई लोग आप लोग भी भाई को सपोर्ट करने के लिए भाई ने जो अपना न्यू फेसबुक पेज बनाया है उसको आप लोग फॉलो कर लेना, मैंने भाई के फेसबुक पेज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो भाई लोग बढ़ते हमारी अच्छी लास्ट न्यूज की तरफ जो कि एनजी स्मूथ के बारे में। तो भाई लोग होता है कि उस दिन नॉस्टो भाई के चैनल में एशिया का फाइनल चल रहा था जिसमें कि BXL और एनजी की टीम खेल रही थी। तो भाई लोग होता है कि एक राउंड में BXL के दो बंदे एनजी स्मूथ के ऊपर एक साथ रश मार देते हैं, लेकिन भाई लोग एनजी स्मूथ दोनों ही बंदों को हेडशॉट मार के नॉक कर देते हैं, जिसके बाद ये देखकर नॉस्टो भाई के बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग देखिए। ओके यू हैव गॉट टीम टॉप की बात कीजिए, काफी आ चुके हैं और प्लेयर डैमेज है बट दो प्लेयर नॉक,
स्मूथ यहाँ पे दोनों प्लेयर को नॉक करते हुए, तीन प्लेयर यहाँ पे नॉक, आसिफ अकेले प्लेयर, आसिफ के लिए यहाँ पे 1v2 और आसिफ फिनिश कर दिया जाएगा। बट मैं ये स्मूथ की तरफ से एक क्लिप देखना चाहता हूँ कि तीनों प्लेयर एक साथ फायर कर रहे थे और स्मूथ वहां पे दोनों प्लेयर को नॉक करता हुआ, क्या दोनों को हेड यहाँ पे लगाए हैं या फिर टीम का भी कुछ योगदान रहा है उसके बाद यहाँ पे प्लेयर यहाँ पे नॉक हुए। तो वह लोग आज मेरे पास इतनी न्यूज थी, इसलिए आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय लोग, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।